बख्तावर भुट्टो की शादी है, बिलावल भुट्टो ने मरियम नवाज को नहीं बुलाया, क्यों किया ऐसा? वो मुझे भी नहीं बुलाया। उसने खोते का गोश्त बनवाया था इसलिए उसको नहीं बुलाया। मरियम नवाज को? हाँ जी। अब मरियम को क्या करना चाहिए? अब उसको नहर में डूब के मर जाना चाहिए। अपनी बहन को नहीं जो बंदा बुला रहा, वो कितना मतलब मरियम मरियम नवाज बिलावल भुट्टो की बहन है। अस्सलाम वालेकुम एनपीजी मीडिया के साथ मैं हूं एनी फैसल। बख्तावर भुट्टो की शादी पर बिलावल भुट्टो ने मरियम नवाज को नहीं बुलाया जबकि ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। बिलावल भुट्टो ने ऐसा क्यों किया, आइए लोगों से पूछते हैं। बख्तावर भुट्टो की शादी है, बिलावल भुट्टो ने मरियम नवाज को नहीं बुलाया, ऐसा क्यों किया उसने? उसने खोते का गोश्त बनवाया था इसलिए उसको नहीं बुलाया। अभी उससे मोहब्बत करना चाहती है लेकिन उसने खोते का गोश्त बनाया है इसलिए वो नहीं बुला रहा। जहाँ पर सब खाएंगे वो भी खा लेती या वो ना खाती? नहीं, उसको बुलाना चाहिए था। उसको पसंद नहीं आया इसलिए नहीं बुलाया मरियम नवाज को। हाँ जी। अब मरियम को क्या करना चाहिए? अब उसको नहर में डूब के मर जाना चाहिए। तो नहर सूखी हुई तो फिर दरिया में चली जाएगी। तो दरिया भी अक्सर सूखे होते हैं, आजकल बारिशें नहीं हो रही, फिर कोई गटर देख लेगी। इससे बड़ी मैं कहता हूँ कि शर्मी वाली बात ही कोई नहीं है पूरी कायनात के अंदर। ये कहते हैं मुल्क के वजीर आजम बनाओ और पाकिस्तान के, अपनी बहन को नहीं जो बंदा बुला रहा वो कितना मुल्क मरियम मरियम नवाज बिलावल भुट्टो की बहन है। बहन ही है उसकी। कब हुआ ये? ये तो बड़ी देर का सिलसिले चल रहे हैं। तो उन्हें नहीं बुला रही है, कितना बड़ा ये पाकिस्तान में इंतजाज फैलाया हुआ इन्होंने, तो ऐसे तो नहीं ना करना चाहिए इनको। ठीक है जी, अभी कह रहे हैं मुल्क के वजीर आजम बनना चाहते हैं, तो इन लोगों को वजीर आजम के काबिल हैं ये? निभाने आते नहीं है तो लोगों को क्या इन्होंने चलाना, पूरे मुल्क को कैसे चलाना है इन्होंने? मरियम नवाज को क्या करना चाहिए? अब मरियम नवाज को चाहिए ना कि अब इस बात को लेके इश्तेहाज खिला रहे, पूरे मुल्क को इकट्ठा करे, इंतजाज बुलाए कि भुट्टो क्या कर रहा है हमारे साथ भाई, उसे कंसियत दिलाए, उसे अच्छा यानी कि उसे होना चाहिए कि उसे एहसास हो इस बात का कि मैंने ये जिंदगी में जो गलती की है बहुत बड़ी गलती की है। उसको एहसास दिलाने से एहसास हो जाएगा बिलावल भुट्टो? मुझे नहीं लगता उसे एहसास होगा। जिसे एहसास होना होता तो वो पहले उसे इनवाइट करता, किसी और को नहीं। तो उसने जिसने लोगों को बुलाया उस बेचारी को भी बुला, उस बेचारी को भी बुला लेता तो क्या उसका फर्क पड़ जाना? उसने कितना को खा लेना था, वैसे भी डाइटिंग पर होती है। डाइटिंग वो लोग तो खाते ही नहीं है, तो मैं तो कहता हूँ कि खीर होगी इस मुल्क के अंदर। इन्होंने वाकई यही देखना रह गया था, यही देखना ही रह गया था। और अभी ये बाकी भी बड़ी तो कारी साहब का भी सुना हुआ मसला, ये उससे भी बड़ा मसला बन गया भाई। ये तो खीर होगी, बादशाह खान नाम तो सुना होगा। बख्तावर भुट्टो की शादी पे बिलावल भुट्टो ने मरियम नवाज को नहीं बुलाया, क्यों किया ऐसा उसने? मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि जो बिलावल भुट्टो है ना जरदारी जो है, और जो मरियम नवाज है, ये तो काफ़ी अच्छे दोस्त फ्रेंड हैं, करीबी दोस्त हैं, और मुझे लगता है इनका जेंडर भी एक ही है, तो पता नहीं उसने क्यों नहीं बुलाया। ये तो एक बड़ा बहुत ही बड़ा बढ़िया सवाल है ना, तो उसे बुलाना चाहिए था क्योंकि काफ़ी क्लोज फ्रेंड भी हैं और इनका मुझे लगता है जेंडर भी एक ही है। अब मरियम नवाज को क्या करना चाहिए? मरियम नवाज को मुझे लगता है अपनी जो करीबी दोस्त है उसको, मतलब जो बिलावल भुट्टो है उसको राजी करना चाहिए, या उसको अगर उसके साथ कोई उसका कोई रابطہ करना चाहिए। हाँ, रابطہ करना चाहिए और पर्सनल इनबॉक्स करना चाहिए। पर्सनली बात? हाँ जी, मैंने बुला लो। हाँ जी। बख्तावर भुट्टो की शादी पे बिलावल भुट्टो ने मरियम नवाज को नहीं बुलाया, आखिर ऐसा क्यों किया उसने? ये देखेंगे जो इंसानी लिहाज से तो बुलाना चाहिए, कुछ भी हो, अच्छे दोस्त थे। हाँ, बुलाना चाहिए था, जाहिर है जब बुरा वक्त है उस वक्त इकट्ठे हैं सारे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो आप जो सही मेन मसला है उसके लिए बुलाया नहीं, इसका मतलब कि मुनाफ़िकत है। तो अब इसमें मरियम नवाज को क्या करना चाहिए? वो उसको भी अलहदगी होनी चाहिए, इनका साथ ही ना दे, अलहदा हो जाना चाहिए। लेकिन वो करेंगे ना, क्योंकि वो इस वक्त फंसे हुए हैं। अच्छा, उनके पास बजट ही ना हो। बजट ना हो, महंगाई की वजह से बजट ही ना हो उनके पास। मरियम नवाज ने ज्यादा खा लेना था कोई? वो जाहिर है बाट फैमिली की है, उसने तो खाना ही था, वो बाटी नहीं है जो खाए ना। बिलावल भुट्टो मरियम को अफोर्ड नहीं कर सकता? अफोर्ड तो कर सकता है, लेकिन वो जरदारी साहब की और मिशन है, उनका और मिशन है, वो बाट फैमिली लाहौर की है,
उनको पता लाहौरी खाए ना तो वो उनका गुजारा नहीं होता। क्या वो ज्यादा खाएंगे? हाँ हाँ खा लेंगे। हाँ उन्होंने तो खाना जाहिर है, उन्होंने मुल्क खा लिया, उनका पेट नहीं भरा। ये सही बात है। बख्तावर भुट्टो की शादी है, बिलावल भुट्टो ने मरियम नवाज को नहीं बुलाया, क्यों किया ऐसा? वो मुझे भी नहीं बुलाया। बिलावल भुट्टो की गलती है या मरियम नवाज की गलती है, किसका कसूर है ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।